नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लाल किला कांड का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया। अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस दौरान दीप सिद्धू ने उन तमाम राज को उगला है जो उसने 26 जनवरी और उसके बाद किया। दीप सिद्धू ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने पहले ही साजिश रची थी कि वो लाल किला और यदि संभव हो तो इंडिया गेट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसलिए फरार आरोपी जुगराज सिंह को विशेष रूप से धार्मिक झंडा फहराने के लिए लाया गया था। तरन तारण का मूल निवासी जुगराज गुरुद्वारों में झंडे फहराता था। पुलिस के अनुसार लाल किले पर पहुंचते ही दीप और तरन तारण इलाके के जुगराज सिंह समेत कई आरोपी वहां मौजूद भीड़ को उकसाते नजर आए। लाल किले पर इसी भीड़ ने तिरंगे का अपमान किया और वहां पुलिस पर हमला किया। इसके बाद दीप ने वहां से भागने का प्लान बनाया और पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी की हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर के रास्ते सोनीपत पहुंचा। इसके बाद दीप को आखिरी बार भी सुखदेव ढाबे के पास देखा गया था और सीसीटीवी में कैद हुआ था। पुलिस ने बताया है कि 26 जनवरी के बाद दीप का फेसबुक अकाउंट 2 मोबाइल हैंडसेट से ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें से एक दीप का था जिसे उसने बंद कर दिया था, जबकि दूसरा उसकी महिला मित्र के मोबाइल से ऑपरेट हो रहा था। इस मोबाइल का आईपी एड्रेस कैलिफोर्निया में लोकेट हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दीप सिद्धू किसानों के प्रदर्शन का वीडियो बनाकर अमेरिका भेजता था। वहां पर उसकी महिला मित्र इस वीडियो को उसके फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर रही थी। पुलिस के अनुसार दीप ने कई दिनों तक अपने कपड़े नहीं बदले और पुलिस से भागता रहा। इसी दौरान पुलिस टीम ने इसके परिवार, खासतौर पर बिहार में मौजूद इसकी पत्नी का फोन सर्विलांस पर लगाया। पूछताछ में दीप ने बताया कि ये एसयूवी कार से पूर्णिया जाने की फिराक में था। दरअसल दीप सिद्धू को शक था कि सरकार के साथ बातचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता नरम हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान दीप सिद्धू को कोई काम नहीं मिला था और अगस्त में जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो वो इसके प्रति आकर्षित हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।